सीएनबीसी आवाज की इनोवेशन यात्रा अब आ पहुंची है हुबली। वैसे ये छोटा शहर उत्तरी कर्नाटक का कमर्शियल हब है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर एसएमईज ही काम करती हैं। लेकिन धीरे धीरे कर यहाँ पर अब स्टार्टअप्स जन्म ले रहे हैं और इनोवेशन क्रांति जोर पकड़ रही है। इस छोटे शहर में सबसे मशहूर संस्था है देशपांडे फाउंडेशन, जिसकी शुरुआत 1996 में गुरुराज और जयश्री देशपांडे ने की। इनका फोकस सालों से देश के छोटे शहरों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाले इकोसिस्टम तैयार करने पर रहा है। आज इस फाउंडेशन में स्किल डेवलपमेंट, छात्रों में कम्युनिटी लीडरशिप और नए कारोबार को शुरू करने में मदद देने वाला एक इंक्यूबेशन सेंटर सैंडबॉक्स शामिल है। फाउंडेशन के प्रोग्राम की मदद से हर साल देश विदेश के हजारों युवा अपनी आइडिया को कारोबार में बदलने के पहले कदम यहीं उठाते हैं। इन्हीं में से एक है गुलबर्गा के रहने वाले शिवराज। ये फाउंडेशन के कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम लीड का हिस्सा बने और यहां आने के बाद अपने गांव के किसानों के लिए एक प्रोडक्ट डिजाइन करने पर काम शुरू किया। शिवराज का ये प्रोडक्ट वैसे देखने में खिलौना लगता है, लेकिन है बड़े काम का। हवा से ये यंत्र घूमता है और इस पर लगे छोटे घुंघरू एक हाई फ्रीक्वेंसी आवाज करते हैं, जिससे खेतों में खड़ी फसल से पशु पक्षी दूर रहते हैं। फिटिंग बेलग तो बेलग तो अदक फिटिंग बेलगे तो बेलग मे नाकु दिखी हच्ची फिटिंग अंदर यहा दिखले गाड़ी बरत आ दिखले रोटेट आते रोटेट आगे सौंड क्रियेट आते इलोर यारो मनुष्य पक्षी बर। शिवराज ने गुलबर्गा के पास ऐसे हजारों डिवाइस बेचे हैं। 100 रुपए की कीमत पर उपलब्ध इस यंत्र को किसानों का बढ़िया फीडबैक भी मिला है। अब शिवराज इसे बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं, ताकि कम हवा चलने पर भी ये सोलर एनर्जी की मदद से काम कर सके और पूरे साल किसानों के काम आए। शिवराज की तरह देशपांडे फाउंडेशन के इंक्यूबेशन प्रोग्राम सैंडबॉक्स स्टार्टअप का हिस्सा रहे हैं पाविन पंकजन, जो देश के गांव-गांव में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की मुहिम में जुटे हैं। पाविन ने ये काम 2011 में शुरू किया था। उत्तर भारत में काम के दौरान इनकी मुलाकात हुई केविन क्लफ से, जो वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे और इनके पास इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी है। पाविन और केविन ने मिलकर एक्वासाफी की शुरुआत की। हमने देखा कि हमारे बहुत सारे विचार मिलते जुलते हैं और मेरी भी इच्छा थी कि एक कंपनी खोली जाए जहां पर जो हमारी मशीन है, जो उस समय यूएसए और इंपोर्ट किया जा रहा था, जिसे हम इंडियन कंडीशन के लिए कस्टमाइज कर सके। सो हमने जो हमारे आइडियाज और वैल्यूज सेम मिलते देखे, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग हमने 2011 में एक्वासाफी की शुरुआत की इंडिया में। एक्वासाफी पानी को साफ करने के लिए यूवी टेक्नोलॉजी और रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करती है, लेकिन इसके लिए पहले इलाके के पानी की जांच की जाती है और फिर पानी की अशुद्धता के आधार पर पानी साफ करने वाली मशीन लगाई जाती है। सरफेस वाटर हो या ग्राउंड वाटर हो, डिपेंडिंग उसका क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ टीडीएस, टर्बिडिटी हम चेक करते हैं और उसके अनुसार जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है। अगर सरफेस वाटर है तो मोस्टली हम यूवी टेक्नोलॉजी पे यूज करते हैं, और अगर ग्राउंड वाटर हो और उसमें कंटामिनेशन ज्यादा है, टीडीएस ज्यादा है, तो नॉर्मली हम रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। कंपनी ने अपने काम की शुरुआत में एनजीओ से मदद ली, ताकि गांव में शुद्ध पानी की अहमियत को समझाया जा सके। मशीनों को लगाने और उनकी देखभाल और मरम्मत का सारा काम भी कंपनी खुद ही करती है। दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए एक्वासाफी ने खुद पानी साफ करके सप्लाई करने के बजाय इन मशीनों को गांव के छोटे व्यापारियों को बेचना सही समझा। इसी मॉडल का इस्तेमाल करके कर्नाटक के 310 गांवों तक पहुंचने में एक्वासाफी कामयाब रही है। आज हम 310 विलेज में हैं कर्नाटका में, और हमने अपना नया मॉडल भी बनाया है, जिसमें हम डायरेक्टली विलेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके प्लान चला रहे हैं। एक्वासाफी मशीन की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। एक घंटे में 1000 लीटर पानी शुद्ध करने की क्षमता रखने वाली ये मशीन 3 लाख रुपए की है।
इसके अलावा जहां एक्वासाफी एनजीओस की मदद से लगी है और कंपनी उसे खुद ऑपरेट कर रही है, वहां एक लीटर पानी ₹2 में उपलब्ध है। हमारा मोस्टली हैव बीन बूटस्ट्रैप्ड, बट इनिशियली स्टार्टिंग वाज वी गॉट ए ग्रांट फंडिंग फ्रॉम डीएफ टू स्टार्ट द थिंग, जो सीड फंडिंग था, उसके बाद इट वाज कंप्लीटली ऑन आवर यू नो बूटस्ट्रैप्ड एंड वी हैव बीन मेंटेन्ड बाय आवरसेल्फ। कर्नाटक के बाद अब कंपनी ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विस्तार किया है। देश के साथ साथ इस साल के अंत तक अफ्रीकी देश, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल अमेरिका के बाजारों में भी एक्वासाफी मशीन एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। हुबली में पिछले 9-10 सालों से एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम है देशपांडे फाउंडेशन। इनका फोकस यही रहा है कि देश के छोटे छोटे इलाकों में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को बढ़ाया जाए। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देशपांडे फाउंडेशन के सीईओ नवीन झा। नवीन, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। मुझे बताइए किस तरह का माहौल इन छोटे शहरों में है इनोवेशन के प्रति, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति? जैसे कि हुबली सेकेंड टायर सिटी है हमारा, एंड यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज हैं लोगों के पास, बिकॉज ये लोग काफी क्लोज हैं प्रॉब्लम्स के, तो इनकी जो एबिलिटी है नए नए आइडिया लाने की वो ज्यादा रहती है। जबकि आप जो बड़े शहर में जाएं तो आपको एक तरह के आइडिया ही आपको सुनाई देंगे। क्या ये जो छोटे शहर के युवा हैं वो उन्हीं आइडियाज को और बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर इनमें थोड़ा सा अलग फायर है, कुछ अलग स्पार्क है कि कोई लोकल प्रॉब्लम है तो उसे किसी तरह से सॉल्व किया जाए? सो ऑफकोर्स ई कॉमर्स इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरे लैंडस्केप को, बट यहाँ पे जो जैसे कि आप फर्स्ट टायर के ई कॉमर्स देखेंगे वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे जो एक इंक्यूबेटेड कंपनी है उन्होंने बोले लोकल पेंटर्स को कैसे हम ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, और जो स्मॉल एंटरप्रेनर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं नवोदमी है वो कैसे कर सकते हैं। सो इसका फ्लेवर अलग है, इवन जो ई कॉमर्स भी है तो उसका फ्लेवर टोटली अलग है। क्या जज्बा है लोगों के प्रति हार्डवेयर इनोवेशन पर जोर देने का? जनरली सर्विस सेक्टर, हम एक जगह बैठ के हम अपने दिमाग से कस्टमर को विजुलाइज करते हैं, देन वी मेक अ प्रोडक्ट, देन वी गो मार्केट। जबकि यहाँ पे रिवर्स होता है, आपको पहले कस्टमर से शुरू करना पड़ता है, उनको क्या जरूरत है, किस टाइप का, आपके पास टेक्नोलॉजी हो सकता है बट उसके एप्लीकेशंस अलग अलग होते हैं। तो आप कस्टमर के साथ शुरू करते हैं, देन वो डिजाइन प्रोसेस, तो थोड़ा सिस्टम अलग है। प्रोडक्ट बना लिया है, प्रोटोटाइप तैयार है, लेकिन इसको बाजार में कैसे ले जाया जाए उसका कोई अंदाजा नहीं है, तो वो काफी वाइड गैप है। उस गैप को कैसे अब पूरा किया जाए? जैसे इनोवेशन इज एंडलेस, जो वो मतलब ये इम्प्रूव करना है, ये इम्प्रूव करना है, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस में चले जाते हैं, बट कहाँ पे पता चले नहीं, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, एंड यहाँ पे आपको सेल करना शुरू करना है। तो इनोवेटर के साथ वो सॉरी क्लासिक चैलेंज रहता है, जो वो एंड नहीं समझ पाते हैं और हमेशा वो एक्साइट होते हैं न्यू चीजों के लिए, तो वो उसको उस एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके एक प्रोडक्ट पे कैसे फोकस होके फिर उसको प्रोटोटाइप बना के देन स्केल करना। छोटी छोटी लहरें एंटरप्रेन्योरशिप की उठ रही हैं, चाहे वो मेट्रोज में हो, छोटे शहरों में है, हम उम्मीद कर रहे हैं एक बहुत बड़ी क्रांति में तब्दील होती हुई दिखाई दे। वी आर वेरी पॉजिटिव। हम चाहे हमारा भी सेंटर हुबली में है, निजामाबाद में, वाराणसी में, नालगोंडा में, डिफरेंट प्लेसेस पे है, और हम ये बॉटम अप एंटरप्रेन्योरशिप की लहर तैयार कर रहे हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला हमें करीबन 10 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं, तो हमारे फर्स्ट टायर सिटीज वगैरह 1 मिलियन तक देख लेंगे, बट उसके बाद हमको इधर ही आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नवीन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसी मोड पर हम देखेंगे कि देशपांडे फाउंडेशन ने और किस तरह के आइडियाज को तैयार किया है, उसी की एक झलक लेकर आएंगे, तो आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ।